जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस जिसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2012 में और इसको ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और अब तक ना जाने मैंने आपको कितनी प्रीमियम ट्रेन्स, आई गेस राजधानी, तेजस, शताब्दी, कौन कौन सी दिखाई। और ये मेरी है सेकंड डबल डेकर एक्सप्रेस। और फाइनली इस हैशटैग मस्त में मैं आपके लिए एक डबल डेकर एक्सप्रेस की जर्नी। बताइए आपको और क्या चाहिए। ब्लॉग की शुरुआत करें? नहीं, आपको स्टाइल बता दें। कमॉन, हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन और अगले 10-15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज़ के साथ। तो मेरा नाम है डुलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज, पूरी डबल डेकर एक्सप्रेस एडवर्टाइजमेंट से घिरी हुई। तो थोड़ा सा ये वाली चीज़ थोड़ी सी मैनेज कीजिएगा। दिल्ली सराय रोहिला के स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। अगर आप इसमें प्लान बना रहे हो, सबसे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं कुछ 300 किलोमीटर्स। ड्यूरेशन ऑफ जर्नी लगभग 4 से 5 घंटे। ऑफिशियल स्टॉप्स कुछ 4 के आसपास। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड इस वाली डबल डेकर एक्सप्रेस की है कुछ 67 किलोमीटर्स पर आवर। और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट, आपको पता तो भूल जाते हुए। चलिए एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और सराय रोहिला से मैं बोर्ड कर रहा हूँ पहली बार। अगर आपको पता हो इस वाले स्टेशन का स्टेशन कोड पता है? चलिए अगर पता है तो ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। अभी भी गेट्स ओपन नहीं हुए हैं। ट्रेन है कुछ 5:25 की, 4:52 अभी भी गेट्स ओपन नहीं हुए हैं। यात्रीगण, अगर आप देखोगे यात्रीगण इंतज़ार कर रहे हैं, तो गेट ओपन होने दीजिए, अंदर जाने दीजिए। कोशिश करेंगे अगर इंटीरियर आपको दिखा पाएँ। बस हेडफोन लगाए रखिए, मुस्कुराते रहिए। गर्मी ज़्यादा है पता है, कुछ ज़्यादा ही है, बट मुस्कुराते रहिए। आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप, जो अवेलेबल है इन मैनी लैंग्वेजेस एज वेल एज करेंसीज। यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप, बिकॉज वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूँ। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। तो किस बात का इंतजार है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुरंत वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर ऐप आपके पास ऑलरेडी है अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स। तो ट्रैवल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए विद वीगो। ट्रेन के बारे में और बातचीत हो, मेरे साथ एक कपल मौजूद हैं जो दिल्ली घूमने आए थे और ये रहते हैं जयपुर। सबसे पहले सर को बहुत फॉलो करता हूँ, उनके वीडियोस बहुत देखता हूँ। प्लेजर इज ऑल माय सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम सौरभ है, शी इज माय वाइफ एक्चुअली। जी जी, हम यहाँ पे घूमने आए थे मसूरी जी। एंड ये बोल रहे जयपुर के बारे में, तो जयपुर एज यू ऑल नो कि वो पिंक सिटी है, वहाँ पे काफ़ी फोर्ट्स वगैरह हैं और शॉपिंग के हिसाब से पुराना जयपुर जो कि जाना जाता है जौहरी मार्केट, पापू बाजार, इंदिरा बाजार स्पेसिफिक मार्केट है। तो जैसे आपको जो सामान चाहिए तो आप जाके पर्टिकुलर मार्केट जा सकते हैं, चौड़ा रास्ता में, मतलब बुक्स वगैरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत पर्टिकुलरली अच्छा। अगर आप शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं ना तो जयपुर इज द बेस्ट। और हाँ, खाने पीने के साथ 2-3 आइटम जरा हमारी पब्लिक को बताएंगे आप। खाने पीने में स्पेशल, मतलब सब कुछ अच्छा ही मिलता है वैसे तो, बट राजस्थानी थाली यू नो कि भाई उसमें दाल बाटी चूरमा ही होता है। इसके अलावा भी और जैसे मिठाइयाँ, ऑब्वियसली मिठाइयाँ जो होती हैं फेमस हैं यहाँ पे। बाबू नगर में एक ऑमलेट, इसकी अंडे की शॉप है, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, वहाँ पे अंडे का हलवा मिलता है जी, तो व्हाट टेस्टी एंड मस्ट ट्राई वाली चीज़ है। और सर जरूर ट्राई करना जी। अरे हम तो सर हमारा तो चलता ही रहेगा, थोड़ा वेदर का ट्रू के भाई मैरिज के हिसाब से अगर किसी को ब्राइडल शॉपिंग या मतलब मैरिज के लिए शॉपिंग करनी है, सबसे बेस्ट है जयपुर में शॉपिंग करना। लहंगा की काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं। प्लीज समर में विजिट मत करना। मैं वो पूछने वाला था, अभी तो दिल्ली का तो ये हाल है, जयपुर का क्या हाल है? जयपुर में भी सेम हाल है, आप देख रहे हो। चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इनके लिए एक लाइक बनता जरूर। थैंक यू सो मच। जो मैं बोर्ड कर रहा हूँ ये है 12986 दिल्ली जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस। मैं कोशिश कर रहा था आपको इंटीरियर दिखा दूँ बट पैसेंजर्स ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं, तो वो करना फिलहाल अब आप समझ सकते हो थोड़ा सा रिस्की होगा। तो अगर आप ट्रैवल सोच रहे हो, कॉस्टिंग आपको बता दूँ, एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 1200 रुपीज़। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ AC चेयर कार कोच नंबर C11, इसकी कॉस्ट है 500 रुपीज़ पर वे पर पर्सन। फूड वगैरह इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। आप सोचिए सिर्फ 500 रुपये में आप दिल्ली से जयपुर यात्रा कर सकते हैं। ये है हैशटैग इनक्रेडिबल रेलवेज। आपको और क्या चाहिए? टूर इंटीरियर की एक बार कोशिश करें? नहीं, लेट्स सी। आपके लिए सबसे पहले एक होमवर्क,
मैं बोर्ड कर रहा हूँ ये वाली डबल डेकर। इंडियन रेलवेज के में कितनी डबल डेकर चल रही हैं इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में, अगर आपको जवाब पता है कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। बातचीत चलती रहनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा मैं वीडियो बनाऊँगा तो क्या मज़ा आएगा। जर्नी की शुरुआत से पहले आपको, बिकॉज कोच आगे की तरफ है, तो आज मौका है आपको लोको दिखाने गाजियाबाद का। वेब 7 लोको पायलट अंदर ऑलरेडी बोर्ड कर चुके हैं, बिल्कुल डिपार्ट होने के लिए तैयार। उम्मीद है साउंड क्लियर होगी। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, सोचिए हमको एसी चेयर कार में गर्मी लग रही है, आप सोचिए लोको पायलट इस गर्मी में, इस लोको में आप सोचिए गाड़ी को चला रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद समझ सकते हैं। देखिए गाजियाबाद 37326, और कितने दिन बाद मैं खुद लोको पता नहीं आपको ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। चलिए एक और वर्चुअल सफ़र पे मेरे साथ निकल पड़िए, सब कुछ भूल जाइए अगले 10-15 मिनट के लिए, जितना तनाव है सब कुछ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। डिपार्चर में कुछ 15 मिनट बाकी हैं, जल्दी से आपको ज़रा टाइमिंग्स और बता दें। मैं बोर्ड कर रहा हूँ 12986, दिल्ली सराय रोहिला से चलती है 5:25 को, और आप पहुँच जाएंगे जयपुर कुछ 10 बजे के आसपास। वहाँ से जयपुर से चलती है सुबह 6 बजे, और आप दिल्ली आ जाएंगे सुबह 10:30 के आसपास। तो 4-4.5 घंटे की जर्नी है, एंड इट रन्स एवरी डे। अब आपको बताता हूँ, मैंने सुबह ऑनलाइन बुकिंग करते समय देखा था कुछ 900 टिकट्स अवेलेबल थी, अभी मैंने 10 मिनट पहले देखा है अब कुछ 450 टिकट्स अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात आप ये सोचिए, दिल्ली से जयपुर के बीच मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है, सिर्फ 500 रुपये में, और वो भी एसी चेयर कार में, आप ये लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इस रूट पे ट्रैवल करते हो, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ज़रा प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे बताइएगा ज़रूर। इंजन से लोको से हमारा कोच लगभग तीसरा आई गैस। चलिए डिपार्ट होने के लिए तैयार, और सराय रोहिला देखिए, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मैं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू न्यू दिल्ली या निज़ामुद्दीन। अगर आप देखेंगे 5 मिनट्स टू गो, इस तरफ आपको दिखा दूँ, ये खड़ी है दिल्ली सराय रोहिला उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कड़क कॉफ़ी चाहिए, देखो ठंडे पानी से मुंह पे पानी मारो। दिल्ली का वेदर तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, 48 डिग्री सेल्सियस, कैन यू इमेजिन। लोगों को पानी पिलाइए, खाना दीजिए, जो हो सकता है अपनी तरफ से प्लीज़ ज़रूर कीजिए। और स्टेशन पे मैं आपसे कहता हूँ, साफ़ सफ़ाई बनाए रखें, देखो जितना साफ़ सफ़ाई बनाए रखेंगे उतना अच्छा है। और एक और केस, इमरजेंसी चेन पुलिंग का, प्लीज़ जब रिक्वायरमेंट है तभी चेन पुलिंग करें। रेलवेज़ भी कितनी पब्लिसिटी कर रही है, लोग चेन पुलिंग मजाक मजाक में कर रहे हैं, ऐसा मत करो यार, चेन पुलिंग से ट्रेन लेट होगी और इतने सारे पैसेंजर्स हैं, आप भी समझ सकते हो लोगों को अपने घर पहुंचना है, तो चेन पुलिंग का इस्तेमाल तभी करें जब इमरजेंसी हो। कोल्ड कॉफ़ी दे दो ज़िंदगी में, बस और कुछ नहीं चाहिए, और पोहा दे दो बस। सब पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं, चलो भाई साहब निकलने के लिए तैयार। और रेलवे प्रमाइसिस में आके ना, देख रहे हो मेरे चेहरे पे स्माइल, देख रहे हो आपके चेहरे पर भी तो है ना, है कि नहीं। टाइम देख लीजिए शार्प 5:35, मेरे को लगा था 5:25 का है बट 35। हमारी डबल डेकर डिपार्ट होने के लिए तैयार फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2, और आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए वर्चुअली ढेर सारा इंफोटेनमेंट, बट मेरे साथ मेरा हम सफ़र बन के बस एक्सप्लोर करते रहिए 300 किलोमीटर्स की एक और जर्नी।
हमारी जर्नी का सेकंड स्टॉप गुड़गांव, स्टेशन कोड हो गया GGN, लोकेटेड है कुछ 214 मीटर्स अबव द सी लेवल, ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्दर्न रेलवेज, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है, पैसेंजर्स वगैरह बोर्ड कर रहे हैं तो नीचे नहीं उतरेंगे। गुड़गांव का बता दूँ, सेकेंड लार्जेस्ट IT हब, थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर बात करें तो 56 लार्जेस्ट सिटी, इन टर्म्स ऑफ टोटल वेल्थ बात करें तो ये हो जाती है इंडिया की 8th नंबर की सिटी आप कह लीजिए, और ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं जिसका आपको ऑफिस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्च्यून जो 500 कंपनीज हैं उनका मोर देन 250 कंपनीज आप कह सकते हो उनका ऑफिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सोचिए। और HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गुड़गांव का बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, और 2011 के सेंसेस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन कितनी थी, कुछ 11 लैक्स के अराउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरे को इतना याद कैसे रहता है, दोस्त इसी बात के तो पैसे हैं, प्रोफेशनल एंकर हूँ यार, थोड़ा तो रेस्पेक्ट रखा करो। जर्नी चल रही है और डबल डेकर एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार रही है, मतलब उड़ रही है, करंट ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 108 किलोमीटर्स पर आवर। फाइनली यहाँ कुछ खाने को आया, यहाँ चिप्स चल रहा है, भाई साहब इनको इतनी भूख लग रही थी कुछ आ ही नहीं रहा था, खाली चॉकलेट और कोल्ड कॉफ़ी आ रही थी। Finally, we got the food. तो ये chips, and he sponsored us. आए। तो ये दोनों बच्चे दे आर फ्रॉम अलवर, लोकली अलवर से हैं, वहीं पर रहते हैं ना लोकली, तो यहाँ पर चिप चल रहा है, फाइनली कुछ खाने को आया, भाई साहब इतनी भूख लग रही है, और समोसा वगैरह ऑमलेट वगैरह ऑलरेडी ख़त्म हो गया। हाँ सराय रोहिला से इन्होंने बोर्ड किया था बट वो सब ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, दादा बता रहे जो मिल जाए उससे काम चलाइए, देखिए क्या स्पीड पकड़ रखी है, मज़ा आ रहा है ब्लॉगिंग करके, मज़ा आ रहा है। अलवर से इस रूट से कोई ब्लॉग देख रहा है जरा बताइएगा, चिप्स खाओगे वर्चुअली? ये पूछ रहे वर्चुअली कैसे खाएंगे, मजाक है यार, भावना फीलिंग्स को समझा करो यार। किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद 12986 डबल डेकर एक्सप्रेस अब पहुंची है अलवर, और ये है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन डिवीजन हो गया जयपुर, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 80 से ज़्यादा ट्रेन हॉल्ट होती हैं और 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग लोकोमोटिव वो यहाँ ऑपरेट होता है बिटवीन अलवर एंड दिल्ली, अ फेरी क्वीन। और अलवर का क्या फेमस है, समोसा फेमस है, और यहाँ पर आपको मिलेगा मिल्क केक जो सबसे ज़्यादा फेमस है, बट आप सोचिए हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस क्या दौड़ रही है, ऑफिशियल टाइम है कुछ 7:53 का, हम आए हैं 5 मिनट्स बिफोर, 3 मिनट का स्टॉप, आराम से यहाँ पर बातचीत करिए, और यही है इंडियन रेलवेज, आप जितना यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना कम। कुछ दिन पहले मैं था बिहार में, फिर मैं पहुँचा कहीं और अब मैं आ गया राजस्थान, एरिया वाइज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट, आप ये सोचिए यही तो है। आप ट्रेन में सर्व किए जा रहे हैं अलवर के गर्मा गर्म एकदम समोसे, और जो बोर्ड किए गए हैं अलवर स्टेशन से, भाजी कैसा टेस्ट कैसा, अच्छा केचप वगैरह भी साथ में दी गई है, गरम है, सबसे अच्छी बात है गरम, टेस्टी है गरम है अलवर का। आप बताइए मिल्क केक तो खैर फेमस है ही, बट अगर आप अलवर आ रहे हो समोसे भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पूरी ट्रेन में कहूँगा पूरा कोच लगभग, अभी तो फिलहाल पूरा कोच फुल जा रहा है, और समोसे मिल जाए रेलवेज, चाय कॉफ़ी और मिल जाए कुछ, एक चाय और कॉफ़ी और मिल जाए कड़क। और हमारा हो गया जर्नी पूरी तरह से,
यार ये समोसे टेस्टी हैं। गांधीनगर JPR जो लोकेटेड है 420 मीटर्स अबव द सी लेवल, स्टेशन कोड GADG। अब आप सोचोगे इस स्टेशन की स्पेशलिटी, आपको बता दूं इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन विच इज़ ऑपरेटेड ऑल बाय वुमेन। यस, जितना भी स्टेशन पर स्टाफ है सब की सब लेडीज़। सो दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन रेलवेज टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। दो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड दिस इज़ हमारी जर्नी का सेकेंड लास्ट स्टॉप। और रात को आप देख, सब पैसेंजर्स आकर आप देखोगे ज़्यादातर पैसेंजर डबल डेकर के सब यहीं उतर रहे हैं। और रात को स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म मज़ा आता है ना व्लॉगिंग करने में, जितनी वीडियोस डाली है ट्रेन की, सचखंड हो गई, संपर्क क्रांति, सब व्लॉग्स देखिएगा चैनल पर लाइव हैं। वैसे एक बार फिर से राजस्थान आके आ गया मज़ा, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पिंक सिटी जयपुर में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं आपसे कहूंगा बिल्कुल राइट टाइम। एक और ट्रेन जर्नी हमारी होती है एंड, और आप जयपुर स्टेशन पे पब्लिक देखिए, मतलब मानिए प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की जगह नहीं है, बिकॉज बता रहे हैं राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अब आप सोच रहे हो यहाँ से मैं कहाँ जा रहा हूँ, आपको बता दूँ आज की मेरी डेट ऑफ जर्नी 16 मई। अब मेरी कल सुबह फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट 5 बजे की, मैं जा रहा हूँ मुंबई 17 की शाम को, यानी कि कल शाम को मैं बोर्ड करूँगा तेजस राजधानी जो कंप्लीट कर रही है 50 ईयर्स। आप वाला व्लॉग ऑलरेडी मैंने पहले चैनल पे डाल दिया है। बस यही हो गई है ज़िंदगी, स्टेशन से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से कहीं और, यही है। बट आपके लिए कंटेंट आता रहेगा, ठीक है। अब पूरी रात निकालनी है, यहाँ से मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ एयरपोर्ट, खाना पीना खाएंगे डायरेक्टली एयरपोर्ट, ठीक है। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्त, इतनी मेहनत हो रही है आप खुद देख रहे हो, ठीक है। और जयपुर के जितने व्लॉग्स मैंने राजस्थान के पहले बनाए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सब देख सकते हो। बस देखिए यहाँ से चले अब सीधा एयरपोर्ट, ओके।